आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। देखिए मुख्य मुद्दा अभी टाइम में अर्जेंट में वार्ता कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी मेरी गाड़ियाँ रोकी गई हैं। 24/7 किसी को टेंडर मिला हुआ है, वो बाहर की कंपनी है। मैं एक उत्तराखंड राज्य की एक आंदोलनकारी बेटी हूँ और मुझे हैरेस किया जा रहा है और मैं चाहती हूँ एक बात तक वीडियो तक नगर पालिका तक पहुँचे और धामी तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे कि मैं हमें मुझसे इतना खतरा क्यों हो गया। मैंने हाल ही में एक जनता कमेंट पार्टी बनाई है और जिसका चुनाव चिन्ह क्रेन है और ये लोग मेरी आज से होर्डिंग लगी हुई तो वो कह रहे हैं हम उखाड़ देंगे आपकी होर्डिंग, हम हटा देंगे। क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? और मैं चाहती हूँ सरकार से कि 24/7 को समझा जाए कि वो उत्तराखंड की हर दीवार पर उसका ठेका है। 15,000 का मेरे पास पोल है तो इतने पैसे उत्तराखंड अगर सरकार के पास लोगों को तनख्वाह क्यों दी जा रही है? अगर इतना पैसा सरकार को आ रहा है या मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ रुपए लिए हैं या अधिकारी ने कितने करोड़ रुपए लिए हैं, कौन रोक रहा है मेरे होर्डिंग को लगने के लिए? मैं चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से ये सीएम तक ये बात पहुँचे कि मुझे अगर उत्तराखंड के अंदर रोका गया तो मैं रण कर दूंगी और मैं ऐसा बुरा हाल कर दूंगी भाजपा और कांग्रेस का कि लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कहते हैं, ये बिल्कुल ही न्याय की गलत है। इनको इतना खतरा भावना पांडे से क्योंकि इनको पता है युवा और महिला है इतना मेरे साथ है, इसलिए ये लोग खतरे में है, इसलिए ये लोग रोक रहे हैं मुझे। मेरे को होर्डिंग निकालने दी जा रही है। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।